नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो में आगे आप देख सकते हैं, जिसमें पुलिस ने 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया है और यह पुलिस कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन परीक्षा का ये एक नकल कराने वाला एक गैंग था जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं जी, राजस्थान न्यूज़ का ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा को लेकर सक्रिय हो चुका था नकल गिरोह, एसओजी ने ऑनलाइन परीक्षा से पहले दबोचा। जयपुर के मालवी नगर क्षेत्र से गैंग को दबोचा, हरियाणा के बताए जा रहे हैं युवक। 10 से 12 लोग बताए गए हिरासत में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में नकल कराने की थी तैयारी। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, जयपुर में मालवी नगर से 10 से 12 लोगों को ये गिरफ्त से संबंधित। एक और न्यूज़ आप देख सकते हैं जिसमें पुलिस ऑनलाइन परीक्षा नकल मामला, पीएचक्यू की सूचना पर हुई है पूरी कार्रवाई। सरस्वती इन्फोटेक गिरोह का मास्टरमाइंड ट्रांसमिट कर लाइन बिछाकर खड़ा किया, एंटीना कंप्यूटर की स्क्रीन की जा चुकी थी हैक। तो ये भी आज का ट्वीट है, लगभग 2 बजे का ये ट्वीट है, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन को हैक किया जा चुका था। और ये दोनों न्यूज़ आप देख सकते हैं जिसमें गिरोह को नकल कराने से पहले गिरफ्तार किया गया। और विद्यार्थियों में इसको लेकर संशय भी बना हुआ है कि इससे पहले भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो विद्यार्थियों को यही डाउट है क्या इससे पहले भी नकल हुई है या नहीं। तो इसको लेकर विद्यार्थियों में थोड़ा सा संशय बना हुआ है। और आज इस न्यूज़ के अनुसार एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।